बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने रंग में लौटते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की बैठक के दौरान जेडीयू ने जनसंख्या नियंत्रण कानून, जातिगत जनगणना और बिहार के बाहर बाकी राज्यों में चुनावों को लेकर बीजेपी से अलग स्टैंड को दिखा दिया है। यहां तक कि 31 जुलाई को दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन मुद्दों को जोड़ते हुए प्रस्ताव तक पारित किए गए हैं। ये प्रस्ताव बिहार में नीतीश की सहयोगी बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से परेशान करने वाले साबित हो सकते हैं। वहीं जेडीयू इन मुद्दों पर अपने रुख पर टिक गया है। 31 जुलाई को दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक के प्रस्ताव में कहा गया कि जाति आधारित जनगणना फौरन की जानी चाहिए। इस सिलसिले में जेडीयू सरकार पर दबाव बनाएगी। बताया गया है कि जल्द ही संसदीय दल के नेताओं का एक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इसके लिए पीएमसी समय भी मांग लिया गया है। उधर केंद्र की मोदी सरकार जाति जनगणना की संभावना से इनकार कर चुकी है। इसी प्रकार अति पिछड़ों की पहचान के लिए बने जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में देरी पर भी जेडीयू ने नाराजगी दिखाई है। इस आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक इसे 10 बार सर्विस एक्सटेंशन यानी सेवा विस्तार दिया जा चुका है। जेडीयू ने मांग की है कि आयोग रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपे और उसे प्रकाशित करे, जिससे अति पिछड़े तबकों को फायदा मिले। लगे हाथ जेडीयू ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का भी विरोध कर दिया है और इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पारित किया है। हालांकि प्रस्ताव के दौरान ये भी कहा गया कि जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय होने चाहिए, लेकिन इसके लिए जनगणना और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, न कि कानून बनाने की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की बीजेपी सरकारें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू ने बिल्कुल उल्टी चाल चल दी है। वहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू ने कहा कि बिहार से बाहर एनडीए को बढ़ाना चाहिए। जेडीयू ने यूपी चुनाव में बीजेपी से सीट बंटवारे की मांग कर दी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में करीब 200 ऐसी सीटों की पहचान कर ली है जहां वो अपना कैंडिडेट खड़े कर सकती है। इस बात को ऐसा समझिए कि अगर बीजेपी यूपी में जेडीयू के साथ सीट बंटवारा नहीं करती है तो वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता केसी त्यागी रविवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के घर जाने वाले हैं। ये मुलाकात गुरुग्राम में होगी और नीतीश वहीं पर चौटाला के साथ लंच भी करेंगे। बास फजल की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।